नमस्कार अमरीजनों, आप देख रहे हैं सूटी पाठशाला, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सीयूटी पीजी का एग्जाम हो गया और अब तो उसका काउंसलिंग भी स्टार्ट हो चुका है। बीएचयू, जेएनयू, डीयू, बहुत सारे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, स्टेट यूनिवर्सिटी और एफिलेटेड कॉलेजेस जो हैं वो सीयूटी पीजी के थ्रू अपने एडमिशन देने के लिए काउंसलिंग पोर्टल ओपन कर चुके हैं। अप्रॉक्स 25 मई तक बहुत सारे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के तो लास्ट डेट है फॉर्म भरने के। तो मैं चाहूंगा कि आप लोग थोड़ा भी देरी ना करें, जो भी सीयूटी पीजी का एग्जाम दिए हैं वो जाके अपने मन चाहे कॉलेजेस में, अपने डीम्ड यूनिवर्सिटी में क्या करें, अपना रजिस्ट्रेशन करा लें, यानी काउंसलिंग का पहला प्रोसीजर पूरा कर लें। आने वाले महीने में आप लोग के कट ऑफ भी आने शुरू हो जाएंगे तो फाइनली पता चलने लगेगा कि हाँ हमारा एडमिशन हो रहा है नहीं हो रहा है। मैं आपको बताया था कि एक यूनिवर्सिटी आपके लिए वरदान साबित हो सकता है और वो है हमारे यूपी में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी। ये एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है और अपना पीजी का एंट्रेंस खुद कराती है। इसका आज से फॉर्म स्टार्ट हो रहा है, यानी एप्लीकेशन फॉर्म अब आप इसके पोर्टल पर जाके फिलअप कर सकते हो। अब इलाहाबाद में फॉर्म क्यों फिलअप करना चाहिए, इस पर हम लोग बातें कर लेते हैं। चूंकि कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो सीयूटी पीजी में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाए होंगे, कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो सीयूटी पीजी में अनुपस्थित हो गए होंगे, किसी कारण से अब्सेंट होंगे, तो मैं चाहूंगा कि ऐसे बच्चे जो इलाहाबाद में पढ़ना चाहते हैं, पहले से ही उनका ड्रीम रहा है, और ऐसे बच्चे जो किसी कारण से अब्सेंट हो गए, वो जाके अपना फॉर्म इलाहाबाद प्रवेश जो न्यू वेबसाइट है 2024 का, उस पर जाके अपना फॉर्म फिलअप कर दें। पूरा प्रोसीजर अब हम लोग स्मार्ट बोर्ड पर डिस्कस करते हैं। चैनल पर नए हूँ, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कोई भी आपका एजुकेशनल अपडेट्स टॉपर स्टॉक मिस ना हो सके, क्योंकि हम लोग इसी महीने के लास्ट डेट से 2025 के लिए सीयूटी का बैच स्टार्ट कर देंगे। अच्छी बात यह है कि इस बार हम लोग टीयर फोर्स के लिए भी बैचेस लेके आ रहे हैं। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कि बहुत यंग हैं और उनका कहीं ना कहीं डिफेंस में जाने का एक सपना है, तो वो भी यहाँ पूरा हो पाएगा। क्योंकि कुछ ऐसे मेंटर्स हमें मिले हैं जो कि चाहते हैं टू स्टार्ट अ न्यू बैच ऑफ डिफेंस बैचेस लाइक को लाना चाहते हैं, तो मैंने अभी डिस्कशन मैं कर चुका हूँ, होपफुली हम लोग कमिंग डेज में उसके बैचेस भी ज्वाइन करा पाएंगे। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। अच्छा, फॉर्म अगर किसी को घर बैठे भराना है अगर इलाहाबाद का, तो डिस्क्रिप्शन में एक नंबर है काउंसलिंग वाला, बस आप डिस्क्रिप्शन चेक करो या इस वीडियो को कमेंट चेक करो तो पिन होगा, लिखा होगा काउंसलिंग वाला और नंबर लिखा होगा, आप उस पर कॉल करके घर बैठे काउंसलिंग करा सकते हो। ठीक है, तो ये है वो ऑफिशियल वेबसाइट जहां से आपको फॉर्म फिलअप करना है। ध्यान देना कि ये न्यू वेबसाइट है, पीजी एडमिशन 2024 का न्यू वेबसाइट। ठीक है, यहाँ पे इन लोगों ने रजिस्ट्रेशन का लिंक दिया हुआ है, ओपन करोगे, ठीक है, यहाँ से जाके आप अपना सेलेक्ट करके प्रोसीड कर सकते हो। ठीक है, अपना एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो फिलअप कर सकते हो। ठीक है, अब हम लोग होम पे फिर से चलते हैं, फिर से बैक हो जाते हैं हम लोग। ठीक है, कुछ क्योंकि हम लोग प्रोस्पेक्टस पढ़ते हैं कि एक्चुअली इनका जो रजिस्ट्रेशन वगैरह है वो कैसे होगा, इनका जो नोटिस है वो पढ़ लेते हैं हम लोग। ओके, ये इनका नोटिस है जो कि हम सभी को पहले पढ़ लेना चाहिए एक बार, जिससे ये आइडिया लग जाए कि इनका क्या क्या रूल रेगुलेशन है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। सबसे अच्छी बात यह है कि जो लास्ट ईयर की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया थी सेम एज इट इज फॉलो किया गया, यानी जो भी सिलेबस है 2023 का वही 24 में भी रहेगा, जो भी पेपर पैटर्न 23 का है वही 24 में भी रहेगा। स्टार्टिंग डेट जो फॉर्म की रखी गई वो आज से रखी गई, यानी 16 मई 2024 रखी गई है। एंड ऑफ एप्लीकेशन डेट जो रखी गई वो 5 जून, यानी कमिंग मंथ के 5 तारीख तक इसकी डेट को बंद कर दिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद इनका कहना है कि जो आपका प्रवेश की तिथि है वो लगभग जून 2024 के तीसरे सप्ताह में संभावित हो पा रहा है, और पहले सप्ताह तक आपका जो है वो परिणाम जुलाई के, ठीक है, आने की संभावना रहेगी। ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ पे बोला है ना कि ठीक काउंसलिंग के लिए बात कर लिया इन्होंने, वही जुलाई में तीसरे सप्ताह तक लगभग काउंसलिंग। प्रवेश परीक्षा का पैटर्न और तरीका पिछले वर्ष के समान ही रहेगा। ठीक है, मतलब पेपर पैटर्न और सिलेबस लास्ट ईयर जैसा ही है, इन्होंने यहाँ पे मेंशन कर दिया। सेंटर्स का जो एग्जाम का है ये एग्जाम ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में आप दे पाओगे, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसके लिए सिटी पहले से निर्धारित है। ऑफलाइन के लिए तो यहाँ पे ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों के लिए उत्तर प्रदेश, ठीक है, मैं प्रयागराज, लखनऊ, कानपुर, गोरखपुर, वाराणसी, बरेली, नई दिल्ली, ध्यान देना कि यहाँ पे आपके पास यहाँ के लिए भी सुविधा है, यानी कि यूपी में वाराणसी के लिए भी, लेकिन ऑनलाइन के लिए भोपाल, कोलकाता, पटना, तिरुवनंतपुरम, ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं जो एग्जाम के डे के लिए हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जो बेसिक चीजें हैं वो हम लोग डिस्कस कर लिए। ठीक है, यहाँ से आप जाके फॉर्म को पहले आप फिल करो, और अगर कोई प्रॉब्लम है, लाइक आपको अगर ऐसा लग रहा है कि नहीं सर फॉर्म कैसे फिलअप करना है, इसका एक प्रोसीजर बता दीजिए,
तो आप डिस्क्रिप्शन में कमेंट कर देना, मैं इस पे एक प्रॉपर वीडियो भी दे दूंगा आपको, ठीक है? तो मुस्कुराते रहें, बहुत सारी शुभकामनाएं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज एवरीवन डू लाइक, डू शेयर, सब्सक्राइब दिस चैनल, लाइक दिस वीडियो। हर हर महादेव।